हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको शार्लेट बूट के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। शार्लेट बूट के कुछ ऐसी कमियाँ जो कि मैंने खुद ही पर्सनल लेवल पे फेस की है और जो कि सही में वो जो है नेगेटिव पॉइंट्स ही है शार्लेट बूट के लिए। सो गाइस अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इस तरह की नई नई वीडियोस लाता रहता हूँ। फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करूँ तो गाइस शार्लेट कंपनी के जो ये शार्लेट बूट है इसमें जो है पहले से ही 3 फीचर्स दिए हुए हैं। कंपनी ने खुद इसको एक्टिवेट करके दिए है, अब ऑन मीटर पे इसको दिया हुआ है लेकिन उन लोग जो है इसमें बटन इंस्टॉल नहीं किया है। तो गाइस आप लोग बहुत सारे वीडियो पे देखे होंगे शार्लेट बूट के कुछ हिडन फीचर्स के बारे में। तो गाइस इस कार में ऑलरेडी वो फीचर्स दिया हुआ है, मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। यहाँ पे जो आपको 3 बटन देखते हैं, ट्रिप का और एक क्लॉप का, और तीसरा जो है स्टार्टिंग का बटन वो जो है डमी बटन है, वो काम नहीं करता। ऐसा हम लोग को लगता है वो काम नहीं करता और वो एक्चुअली में दबता नहीं है तो हम लोग को लगता है कि वो काम नहीं करता। लेकिन गाइस कंपनी ने जो है इसके अंदर जो है 3 फीचर्स आपको अनलॉक करके दिए हुए हैं। अगर आप वहाँ पे आप बटन लगा दोगे ना तो आपको आपके जो 3 फीचर्स जो एक्टिवेट नहीं है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे, वो चालू हो जाएंगे। तो इसमें मुश्किल से गाइस 10 रुपये का काम होगा जो कि कंपनी ने नहीं करके दिया और इस फीचर को जो है छुपा के रखा। क्योंकि इस शार्लेट बूट जो है बहुत पुरानी गाड़ी है, 11 से 12 मॉडल में ये शार्लेट जो आना स्टार्ट हो गया था 2010-11 में, और तब इसमें जो है वो हिडन फीचर्स दिए हुए हैं जो कि कंपनी ने एक्टिवेट नहीं किया। मैं आपको तीनों फीचर्स के बारे में बताऊँ तो सबसे पहला फीचर जो है वो है डिस्टेंस टू एम्प्टी है, और दूसरा जो है आपका एवरेज फ्यूल इकोनॉमी कि आपका जो है माइलेज कितना निकल रहा है, और तीसरा जो आपका एवरेज स्पीड कि आपका गाड़ी जो है मैक्सिमम जो है स्पीड कितना चला हुआ है। तो गाइस वही आपको 3 फीचर्स है जो कि कंपनी ने एक्टिवेट करके नहीं दिया, लेकिन गाइस इसमें कोई काम भी नहीं था। आप 10 रुपये का आप उसमें बटन लगा दोगे तो ये फीचर जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस चीज़ का जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक लगा क्योंकि जिस गाड़ी में पहले से सब दिया हुआ है वो कंपनी को एक्टिवेट करके देना चाहिए था। अब बात करते हैं शार्लेट बूट के सेकंड नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। वही सेकंड नेगेटिव पॉइंट जो शार्लेट बूट का उसका इंजन है। तो गाइस सबसे पहले बता दूं शार्लेट बूट जो है 2 इंजन ऑप्शन के साथ आता है। पहला इंजन ऑप्शन जो है वो 1 लीटर का डीजल इंजन है टर्बोचार्ज, और दूसरा इंजन है वो पेट्रोल इंजन है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन। तो 2 इंजन ऑप्शन मैंने बता दिया, पहला जो है डीजल और दूसरा जो है पेट्रोल। लेकिन गाइस बात कर देख सकते हैं इसमें डीजल इंजन जो इसका छोटा दिया हुआ है एज कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन। लेकिन गाइस इन रियलिटी अगर आप खुद से सोचो तो आपको जो है डीजल इंजन जो है थोड़ा सा हैवी मिलना चाहिए, मतलब कि डीजल इंजन में जो है जिसकी डीजल इंजन जो है 1000 cc का देता है तो इसको जो है वही 1000 cc से ऊपर देना था, 1.2 लीटर के आसपास देना था। और जैसे कि आप बात करते हैं इसमें पेट्रोल है तो इसका पेट्रोल इंजन जो है 1.2 लीटर का है और डीजल इंजन जो है 1000 cc का दे दिया, तो इसे जो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे कर दिया इसमें। आप चाहे तो इसका जो है डीजल इंजन को 1.2 लीटर देता और जो इसका पेट्रोल इंजन उसको 1000 cc कर देता, लेकिन इसमें जो है एकदम जस्ट उल्टा किया, जो हैवी इंजन जिसको हैवी इंजन बनाना था उसको जो छोटा इंजन बना दिया। इससे जो कोई इतना बड़ा ड्रॉबैक नहीं है गाइस, लेकिन जो इस इंजन जो है थोड़ा सा छोटा इंजन है। तो मान लो अगर आप अपनी गाड़ी को हाईवे पर ड्राइव कर रहे हो तो 80, 100, 120 तो गाड़ी तो ईजिली चला जाती है, डीजल इंजन की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन 120 के अगर आप इसको और पुश करना चाहोगे ना तो थोड़ा सा गाड़ी जो है आपको पावर का लैग करेगी, मतलब कि आपको जो है थोड़ा सा पावर ड्रॉप होने का जो है ऐसा आपको चांस लगे, आपको लगेगा कि जो है मेरे को उतना अच्छा पावर नहीं मिल रहा है जो कि दूसरे गाड़ी पर मेरे को मिल जाता है। ऐसे थोड़ा सा एक ड्रॉप है, अगर आप स्लो चलाते हो तो आपके लिए गाड़ी जो है बिल्कुल ठीक है डीजल इंजन। अब बात करते हैं शार्लेट बूट के थर्ड नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो इसका जो थर्ड नेगेटिव पॉइंट है वो मेरे को लगता है पर्सनल लेवल पे, वो है इसका बूट स्पेस। वो इसका देख सकते हैं मेरे कार में जो है 10 इंच का बेस ट्यूब लगा हुआ है। अब देख लो 10 इंच का बेस ट्यूब लगा तो इसमें जो है जगह कितना कम बचा हुआ है। अब वही अगर इसमें जो है 12 इंच का बेस ट्यूब डाल देता तो सोचा पे तो जगह ही ना बचता। मैं गया तो इसमें 12 इंच का बेस ट्यूब डलवाने था, लेकिन गाइस इसमें देखो इसका जो बूट स्पेस है काफ़ी ज़्यादा कम है। तो अगर 12 इंच का बेस ट्यूब डलवा देता तो इसमें जो बिल्कुल भी जगह नहीं बचता। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो और अंदाजा लगा लो कि अगर आप एक 10 इंच का बेस ट्यूब रखते हो तो आपको जो है कोई भी जगह साइड में नहीं मिलता, थोड़ा सा ही जगह मिलेगा। अब बात करते हैं इसके कंपैरिजन में दूसरी गाड़ियों की जो इसका सेगमेंट वाली है, तो इसमें थोड़ा सा जो है आपको बूट स्पेस ज़्यादा मिलता है। इसका बूट स्पेस जो है थोड़ा सा एक ड्रॉबैक लगता है, क्योंकि अगर आप इसमें आप सामान रखना चाहते हो तो आप इसमें जो है कोई मिरर सिस्टम का सामान जो है आप नहीं रख सकते, चाहे वो बेस ट्यूब हो चाहे वो छोटा सा सब बुफार हो, स्पेस जो है काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर आपको जो है इसको सामान रखने के हिसाब से लेना है तो आपको जो है कोई भी इसमें म्यूजिक सिस्टम आप नहीं रख सकते। अगर म्यूजिक सिस्टम रखोगे तो कोई सामान नहीं आ पाएगा, और सामान रखोगे तो म्यूजिक सिस्टम भी नहीं आ पाएगा। तो इसका थर्ड ड्रॉबैक जो है वो यही है। अब बात करते हैं इसके चौथे ड्रॉबैक की, जो गाइस मेरे को जो है एकदम बेकार लगता है वो है एक्चुअल में है क्या, इसका जो गाइस हेडलाइट का क्वालिटी है, इसका हेडलाइट और बैकलाइट का जो क्वालिटी है वो उतना अच्छा नहीं है। ये कुछ टाइम पर जो है डल पड़ने लग जाता है एज कम्पेयर टू मारुति हुंडई या कोई भी कंपनी ले लो। अगर आप किसी कंपनी का हेडलाइट अगर आप 10 साल बाद भी देखते हो ना तो इतना ज़्यादा डल नहीं होता जितना इसका जो है 8-9 साल में डल हो चुका। आप देख सकते हैं आपको जो इसमें डल जो है नज़र आ रहा होगा। अब वही साइड को भी दिखाता हूँ, देख सकते हैं इसका जो क्वालिटी है उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है हेडलाइट का, देख सकते हैं थोड़ा सा एकदम डल लग रहा है आपको, मतलब कि गाइस ये जो है काफ़ी ज़्यादा जल्दी डल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे कंपनी, जैसे कि मारुति हो गया, ह्युंडई हो गया, टोयोटा हो गया, कोई भी कंपनी आप ले लो उसका हेडलाइट जो है 10 साल तक भी जो है वैसे कहते शाइन मारते हैं, लेकिन इसका जो हेडलाइट है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी जो है डल हो जाता है। अब बात करें सिर्फ हेडलाइट की, इसका जो टेल लाइट है वो भी उतना अच्छा नहीं है, वो जो है जल्दी से उसके अंदर धूल घुस जाते हैं, पानी घुसने का प्रॉब्लम जो है आता है। अब ये बात करें तो सिर्फ ये शार्लेट का बीट का ही नहीं है, ये क्रूज़ में भी यही प्रॉब्लम है कि शार्लेट की जो हर गाड़ी इसमें जो है इसका हेडलाइट का जो क्वालिटी उतना पुअर उतना अच्छा नहीं है। एक कुछ टाइम समय बाद जो है अपने आप जो डल होने लगता है, अब पता नहीं क्यों डल होता है, लेकिन क्वालिटी जो उतना अच्छा नहीं दिया शार्लेट बूट ने।
अब बात करते हैं फिफ्थ एंड लास्ट ड्रॉबैक के बारे में, तो गाइस वो है शेवलेट बीट का इंडिया छोड़ के जाना। मतलब यार शेवलेट कंपनी जो है वो इंडिया में प्रोडक्शन करना बंद कर दिया, अब वो जो है बाहर ही अपना गाड़ी प्रोडक्शन करता है और वहीं वहीं सेल करता है। तो गाइस जैसे अब से जो है शेवलेट जो है इंडिया छोड़ गया, तब से शेवलेट बीट की जो गाड़ी का जो प्राइस है वो बहुत हद तक ज़्यादा गिरी, इसका जो रिसेल वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, ये आधे से भी आधा हो गया। तो बात करते हैं गाइस शेवलेट का जो मोस्ट सेलिंग गाड़ी था और डिमांडिंग गाड़ी था वो क्रूज था, क्रूज और बीट था, ये दोनों गाड़ी के कारण ही जो है शेवलेट बीट जो है कुछ हद तक जो है इंडिया में उठ पाया था। तो इस क्या वजह से मान लो शेवलेट क्रूज़ का अगर आप बात करते हैं तो गाइस उसका जो एक शोरूम और मतलब ऑन रोड प्राइस जो भी कह लो 16 लाख से 17 लाख रुपए पड़ता था, लेकिन वही जब से शेवलेट जो इंडिया छोड़ के गया तब से क्या हुआ गाइस शेवलेट का जो क्रूज़ का जो प्राइस है वो लगभग आधे से भी आधा हो गया, आधा 25% हो गया। बोला लगभग आपको जो है 3 से 4 लाख में जो है शेवलेट क्रूज़ आपको एकदम टॉप कंडीशन में जो है आपको देखने को मिल जाएगी सेकंड हैंड मार्केट में। वही बात करते हैं शेवलेट बीट की, तो ये गाड़ी जो है आपको गाइस लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपये में आपको जो इजीली मिल जाएगी, जो कि शेवलेट अगर यहाँ इंडिया पे होता तो इस शेवलेट बीट का जो प्राइस लगभग 2 से 2.5 लाख रुपये होता, शेवलेट क्रूज़ का प्राइस जो है लगभग 8-9 लाख के आसपास होता। तो गाइस यही कुछ ड्रॉबैक थे शेवलेट बीट के। सो आज वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू।